हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक्टिल 2। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज ये सब चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी सोच जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, तो ऐसा ही होगा। और भी रीडिंग आएंगी तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है ये रीडिंग आपकी नहीं हो। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में एक्चुअली में अब क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hindi2@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए, नमस्ते, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स सोच रही हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन इस वक्त में चल रही है ना, ये पर्सन उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अपसेट है। इतना ज़्यादा अपसेट है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन ये अपने आसपास के लोगों पर, अपने घर वालों पर, अपने दोस्तों पर उतारते भी हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। आप कैंडल की आवाज़ सुन रहे होंगे, काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे कि ये पर्सन पानी में मिलकर भी एग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन हर एक इंसान से, हर एक उसकी कही हुई बात से जैसे कि फ्रस्ट्रेट होते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उससे चिढ़ने लगते हैं, तो वो इनके मन में चलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इनका गुस्सा। यहाँ पर नंबर 6, नंबर 9 ये मुझे बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जून और सितंबर मंथ। LITG ये लेटर्स दिखाई दिए हैं। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी मुझे काफी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन उदास है, काफी परेशान है, और इन्हें क्योंकि कोई उम्मीद नहीं दिख रही है ना कि ये कुछ कर पाएंगे या इस सिचुएशन में कुछ हो पाएगा, इसीलिए ये पर्सन ना बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, इसीलिए बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो इनके एग्रेशन में निकल रहा है। यू लेटर यहाँ पर दिखाई दिया काफ़ी क्लियरली, नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ। जी लेटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की कि जैसे ये सॉरी तो फील कर रहे हैं जो भी चीज़ें हुई हैं इनसे, लेकिन ये पर्सन ना सॉरी कहने की वो हिम्मत, वो गट्स नहीं रख पा रहे हैं। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी मुझे काफी क्लियरली दिखा। ये पर्सन सॉरी इस चीज को लेकर फील कर रहे हैं कि ये ना आपके साथ जो भी हालात चल रहे थे उन हालातों में जैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए हो,
तो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लोगों के बीच में ना सिचुएशन कुछ उस मुकाम पर आई जहाँ पर इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना था, लेकिन उस वक्त में ये पर्सन ना रिश्ते की बजाय अपने एग्रेशन को, सिचुएशन को ज़्यादा देख रहे थे या ईगो को ज़्यादा देख रहे थे कि मैं क्यों दबूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों कमज़ोर पड़ूँ। लेकिन अब इनके मन में उस चीज़ का गुस्सा आता है कि मैंने उस वक्त में क्यों सिचुएशन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। और ये जो गुस्सा है ना, इन्हें ये जो शिकायत है अपने आप से है, ठीक है। और वो अपने आप से शिकायत या अपने आप से गुस्सा औरों पर भी उतर रहा है, ये यहाँ पर है। इस पर्सन की लाइफ में जो एकदम फीकापन पड़ गया है ना, जैसे कि एक्साइटमेंट, खुशियाँ, कलर्स, उस सब मामले में जो भी फीकापन पड़ गया है, ये पर्सन उसे छुपाने में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। इनका फोकस ये रहता है कि कोई मेरी ज़िंदगी के ये जो रंग उड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उन्हें देख ना ले, क्योंकि उस चीज़ को देख कर ये पर्सन उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। अपनी कमी किसी और की आंखों में ये पर्सन नहीं देखना चाहते, चाहे फिर उसमें आप भी क्यों ना शामिल हो। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, उस चीज़ को अपना एक वीक पॉइंट मानते हैं, और इनके मन में ये चलता है कि कोई मेरा ये वीक पॉइंट ना देख ले। यहाँ पर जे लेटर भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, आपके पर्सन ही आपसे ये रिलेट कर सकता है। सिचुएशन को ना ये पर्सन ने बहुत मैन्युपुलेटिवली प्रेजेंट कर रखा है, जो दिखा रहे हैं। यानी कि देखो, ऐसी एनर्जी है जैसे दिल ना इनका फूट फूट कर रोता हो, दिल इनका आज की सिचुएशन को देखकर सिर्फ और सिर्फ डरता हो, रोता हो, डिप्रेस्ड होता हो। लेकिन ये पर्सन इस सिचुएशन को, इन हालातों को बहुत मैन्युपुलेटिवली सर्व कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में एक उद्देश्य को लेकर, एक टारगेट को लेकर चल रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। आपके जो भी मैसेजेस है ना, चाहे वो इनके पास हो या आपने जो भी इन्हें भेजे थे, जो भी इनके पास आपसे जुड़े हुए मैसेजेस हैं, उसे ये पर्सन देखते हैं। और उन मैसेजेस को जब भी ये पर्सन देखते हैं, इन्हें अगेन इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर होता है कि इन्होंने उस वक्त पे आपके मैसेजेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, उस वक्त पे ये कमज़ोर क्यों बन गए। यानी कि उस वक्त पे इन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहिए था, लेकिन वो मैसेजेस देखकर इन्हें कहीं ना कहीं अपने जो बैड डिसीजंस थे, अपने अंदर जो कमियां थी, यानी कि कमज़ोर लीडर बने उस वक्त में, या उस वक्त में इनके पास जो आइडियाज़ की कमी थी, तो वो कमियां इन्हें दिखाई देती हैं। उस तरह की सच्चाई इनके सामने रिवील होती है, और उसे देखकर ये पर्सन जैसे आपसे कन्फेस करना चाहते हो, सॉरी बोलना चाहते हो उस चीज़ को लेकर कि ये उस वक्त में जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप इनका वेट कर रहे थे, उस पर खरे नहीं उतरे। उन सिचुएशंस को इन्होंने बदला नहीं, बजाय उसके इन्होंने डिस्टेंस को मेंटेन करा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, वो अफसोस इनके मन में चलता है। और मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, उस अफसोस की वजह से ही ये पर्सन काफ़ी टाइम रोते भी हैं, सोच सोच कर। जो लोगों को तो दिखता है कि भाई कितने चिड़चिड़े हैं, हर बात पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन उस गुस्से के पीछे का दर्द किसी को दिख नहीं रहा। आपके साथ इस पर्सन का जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है ना, उस रिश्ते को ये पर्सन आज की डेट में पूजते हैं, एक ट्रू लव की तरह। मुझे एक हार्ट जैसी शेप दिख रही है, जिसमें ऐसा पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन आपके प्यार को ना कहीं बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। उस प्यार को ये पर्सन ऐसे देखते हैं जैसे कि प्योर रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, या आपका प्यार इनके लिए प्योर था।
ये पर्सन ना अब अपनी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है ना उन्हें बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। इन्हें ये लगता है कि मेरे बुरे कर्मों की वजह से हुआ, मेरे कन्फेस ना करने की वजह से हुआ, चीज़ों को सही वक्त पे ना संभालने की वजह से हुआ। तो ये पर्सन इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें इनके मन में बेहद ज़्यादा चलती हैं कि हाँ मैंने सही वक्त पर सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करा, मेरे अंदर सच्चाई को एक्सेप्ट करने की पावर कम है। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत चलती हैं। हालांकि ये पर्सन उस चीज़ को लेकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि शायद उस वक्त पे ये रेडी नहीं थे, समय नहीं था आप दोनों के मिलने का, जब समय आएगा तो चीज़ें सब सही भी हो जाएंगी। तो उस चीज़ को लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश भी ये पर्सन बहुत करते हैं। और वो चीज़ें इनके मन में अक्सर चलती हैं, वो चीज़ें इनके मन में ना एक हलचल करती हैं। यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली है, मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन को ना बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। जी लेटर यहाँ पर दिख रहा है, मूड स्विंग्स भी उस पॉइंट पर, जैसे कभी तो ये पर्सन एकदम से एग्रेसिव हो रहे हैं, भड़बड़ा रहे हैं, गुस्सा आ रहे हैं, और कभी एकदम से रो रहे हैं, इमोशनली वीक महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर मान रहे हैं। तो वो यहाँ पर दिखा, तो बेहद ज़्यादा इस वक्त में इस पर्सन को मूड स्विंग्स की एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आई लेटर जी लेटर मुझे दिखाई दिया, जो मैंने आपको आई थिंक बता भी दिया है। बेसिकली ना अब इस पर्सन के मन में इस तरह के सवाल तो उठते हैं कि इनकी ज़िंदगी ने लेकर कहाँ जा रही है, ये किस रास्ते पे चल रहे हैं। आप खुद देख सकते हो कैसा रास्ता इनका बन गया, कभी इधर आपकी तरफ जाने की सोच रहे हैं, कभी नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कभी आपकी तरफ आकर वापस से पीछे लौट गए हैं। तो ये पर्सन ना खुद कंफ्यूज हैं कि ये अब चाहते क्या हैं, और उसी रीज़न की वजह से ये पर्सन रोते भी हैं। जैसे एक इंसान को होता है ना कि मैं जब मुझे खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं औरों को क्या समझाऊँगा या समझाऊँगी। तो वो इनके साथ बेहद ज़्यादा हो रहा है। सी लेटर यहाँ पर दिखा, जे लेटर यहाँ पर दिखा, नंबर 3 यहाँ पर दिखा, यानी कि आपका मार्च मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डेफिनेटली जुड़ा हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में दिख रहे हो, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स या सपोर्ट है, ठीक है। चलिए टैरो के माध्यम से ये देखते हैं कि इनके मन में ये जो भी चीज़ें चल रही हैं इस विषय में आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। साथ में राशियां भी बताई जाएंगी कि कौन कौन सी एनर्जीज हैं, ठीक है, चाहे फिर वो राशियां आपकी हो या आपके पर्सन की हो जिनको ये लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन अब क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स से। देखिए टू ऑफ कप्स यहाँ पे भी एनर्जी आई, और पहला ही कार्ड टू ऑफ कप्स का आया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली में बच्चों का शोर आ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, अगेन ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी टेन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मेजॉरिटी लेवल पे जो एनर्जीज हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, ठीक है। हालांकि ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, अगर आपको लग रहा है मेरी एनर्जी नहीं आई है तो ऐसा नहीं है, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 2, नंबर 10 ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो इस पर्सन के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में। बेसिकली ये पर्सन ना आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन को पहचान रहे हैं, उस कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं, उस कनेक्शन को सोल लेवल तक समझ रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये पर्सन इस कनेक्शन को सोल लेवल तक समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन
परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं इस सोच के साथ कि इन्होंने इस कनेक्शन को सही वक्त आते क्यों नहीं पहचाना, सही वक्त आते इन्होंने इस कनेक्शन में जो आपकी तरफ से ऑफर इनकी तरफ आए उसे क्यों नहीं इन्होंने लिया, क्यों इन्होंने उसे इग्नोर करा। यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इन्होंने देर कर दी उस कनेक्शन को समझने में, आपके प्यार को समझने में, आपको समझने में, और इतनी लेट कर दिया कि शायद अब इस रिलेशनशिप में ये जो परिवार चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं, वो शायद अब इन्हें नसीब नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में चलती हैं। इन्हें ये लगता है कि इन्होंने इतना देर कर दिया इस सिचुएशन को, कनेक्शन को समझने में, कि आपने अपने आप को बदल लिया, आपने अपनी सोच को बदल लिया, आपने अपने इमोशंस को जो इनको लेकर हैं उसे बदल लिया। यानी कि अब आप इन्हें इनके प्यार को, इनके साथ के वादे को या कनेक्शन को वो तवज्जो नहीं देना चाहते हो, बल्कि आप अब अपने बारे में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहते हो, तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये जो इस कनेक्शन में एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, शायद वो उम्मीद अब बस एक तरफा रह गई है। आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ बढ़ने पर इन्हें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को कन्फेस करना होगा, और उसके बाद भी इन्हें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो वो चीज़ें ना इन्हें डिस्टर्ब करती हैं। यानी कि ये पर्सन ना एक्शन लेने से पहले ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर करके परेशान हो रहे हैं, और एक्शंस लेने से पहले ही, सच्चाई को जानने से पहले ही उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन इनकी अपने आसपास के लोगों पर उतरती है, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखा। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये, गाइड कीजिए, बताइए। I have told my family about you. तो पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने अब आपके बारे में ये क्या महसूस करते हैं वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बताया है, और परिवार या फैमिली अब इन पे प्रेशर डाल रही है कि आप दोनों नहीं साथ हो सकते एंड ऑल। तो वो चीज़ें इन्हें अपने परिवार पे, अपनी फैमिली पर गुस्सा दिला रही है, और ये एहसास दिला रही है कि कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी कलरलेस हो गई है, अंधेरा इनकी ज़िंदगी में हो गया है। आपके साथ उजाला था, फीलिंग्स थी, जज्बात थे, बिन आपके ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी है। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने तुम्हें अब तक नहीं खोया होगा। यानी कि वही इंसान जो जिनसे ये पहले मिले थे, वही इमोशनली इन्हें बहुत प्यार करने वाले एंड ऑल, क्योंकि मन में ये चीज़ें हैं कि आप बदल रहे हो, आपकी सोच बदल रही है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, आपसे कहना चाह रहे हैं ये कि मैं अब एक्चुअली मैं इस कनेक्शन को पहचान पाया हूँ या पाई हूँ, और जितना ज़्यादा इस कनेक्शन को मैं पहचान पा रहा हूँ या पा रही हूँ, उतना ज़्यादा ये समझ में इन्हें आ रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा परफेक्ट हो। I really hate not communicating as much as I want to. अब इन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि आप लोगों के बीच में जो बातें नहीं हो रही हैं, और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, तो दिल में इनके, मन में इनके यही है कि आप मूव ऑन कर गए हो या मूव ऑन के प्रोसेस पे हो, अपने आप को बदलने के प्रोसेस पे आप ज़्यादा हो, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये ना अब चीज़ों को सही करना चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ। नथिंग एल्स मैटर बट यू, अब समझ में नहीं, क्योंकि इस कनेक्शन के मामले में ज़्यादा आ रहा है, उतना ज़्यादा ही आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये अब कोई भी चीज़ें ना इन्हें मैटर नहीं करती, चाहे परिवार है, उनकी उम्मीदें हैं, कुछ भी है, वो इतनी मैटर नहीं करती जितने कि आपका साथ या ये कनेक्शन।
आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि ये जो इतने अग्रेसिव रहते हैं तो इनके कानों में डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कोई बातें आई हैं जो इन्हें पसंद नहीं आई, जिस पर इन्हें गुस्सा आता है, और उसमें इन्हें समझ में आता है कि गलती तो इन्हीं की थी। अगर ये वो गलती नहीं करते, ये कन्फेस कर लेते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो शायद ये इन्हें सुनने को नहीं मिलता। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, तो आपसे कहना चाह रहे हैं ये कि अब मुझे महसूस होता है कि तुम मुझसे क्या चाह रहे थे या चाह रही थी, तुम्हारी क्या इच्छाएं थी मेरे से। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, और जितना ज़्यादा इन चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ ना, उतना ज़्यादा मुझे तुम्हारी, तुम्हारे साथ की, तुम्हारे साथ के कमिटमेंट की, तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है, जिसे कभी एक वक्त पे इन्होंने दिया नहीं। यानी कि जब आपको इनके वक्त की ज़रूरत थी, जब आपको इनके साथ क्वालिटी टाइम की ज़रूरत थी, तब इन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी, और अब ये वो चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज है और आपके लिए क्या गाइडेंस के कार्ड्स दिए जाते हैं। गाइड कीजिए, बताइए। जर्नी, फर्स्ट चक्र आर्केंजल मिशेल, सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल, वॉकिंग अवे द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। देखो, मुझे यहाँ पर काफी मेजॉरिटी लेवल पे ये दिख रहा है कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई कनेक्शन तो है, जो ये पर्सन उस वक्त पे नहीं समझे लेकिन अब समझ रहे हैं, और आप इस कनेक्शन को इनसे पहले समझ गए हो कि आप दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या आप दोनों का कनेक्शन कितना प्योर है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप इस कनेक्शन के बारे में जितना ज़्यादा जान रहे हो ना, जितना समझ रहे हो, उतना ज़्यादा आप इनके साथ एक नई जर्नी भी चाहते हो, उतना ज़्यादा इन्हें एहसास दिलाना चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं। लेकिन इस पर्सन की तरफ से क्योंकि कोई एक्शन नहीं आता, तो वो चीज़ें आपको फोर्सफुली ये दबाव डाल रही हैं, या इस तरह से कन्विंस करा रही है कि आपके लिए यही बेहतर है, वॉक अवे करो, इस सिचुएशन में फंसो मत। और उसके पीछे की वजह ये है कि इस वक्त में आप तो आपकी आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र इम्बैलेंस है। यानी कि इस रिश्ते की जो रूट पे आपको काम करना चाहिए या अपनी एनर्जी को जो बैलेंस करना चाहिए, आप उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो। यानी कि इस पर्सन के कंफ्यूजन को देखकर, इनकी सोच को देखकर, इनके जेस्चर को देखकर कंफ्यूज आप भी हो रहे हो, ठीक है। तो आपसे ही बोला जा रहा है डेफिनेटली कनेक्शन तो आप लोगों का प्योर है और एक नई शुरुआत यहाँ पर होनी है, लेकिन आपको ज़रूरत होगी, अभी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र पे वर्क करो, इसे स्ट्रॉन्ग करो। जैसे ही आपके ये चक्रास एक्टिवेट होंगे, वैसे ही इस रिश्ते की रूट, इस रिश्ते की नींव स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, आपकी सोच बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, आप अपनी सोच पर कंट्रोल करना शुरू कर पाओगे या कर सकोगे। तो ये आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली काफ़ी लोग तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हो, लेकिन ये डिस्टेंस आप लोगों की एक नई शुरुआत में कन्वर्ट होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप पर, अपनी एनर्जीज पर वर्क भी करना होगा। तो ये आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस आपको बोला जा रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग की क्या है इस पर्सन की सोच आपको लेकर। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।